कचहरी क्लब में अस्थायी पटाखा की दुकानों का शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव द्वारा लॉटरी सिस्टम से आवंटन किया गया, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि कचहरी क्लब के मैदान में पटाखा की अस्थायी दुकानें लगाने के लिए 57 आवेदन आए थे, जिसको देखते हुए लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 32 दुकानों को आवंटित किया गया है और उनकी नंबरिंग भी कर दी गई है। वे लोग वहीं पर ही अपनी दुकान लगाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले साल 64 दुकानें लगाई गई थीं। इस वर्ष कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए सिर्फ 32 दुकानों को ही लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों को मास्क सैनिटाइजर लगाकर ही पटाखों की बिक्री करना होगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि शहर के अन्य स्थानों पर दुकान लगाने के लिए ज़मीन के मालिक की परमिशन, पुलिस की परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही उन लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, जावेद 14 नंबर कौन है? जावेद खान। जावेद खान बिना के लिए बिना के लिए सर उसको हिला दीजिए। देखिए, टाउन हॉल जो है कचहरी क्लब जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे हर साल पटाखे की दुकानें लगती हैं, तो पिछली बार वहाँ पे 61 दुकानें लगी थी, तो इस बार क्योंकि परिस्थितियाँ डिफरेंट हैं और कोरोना का समय भी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फायर रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पे 32 दुकानें लगनी थी, तो इसी के लिए कचहरी क्लब के लिए कुल 57 आवेदन आए थे, तो 57 आवेदन में से 32 दुकानों का चयन होना था, इसलिए वहाँ पे लॉटरी के माध्यम से चयन कराया गया है। और लॉटरी में ये भी बता दिया गया कि किसको कौन सी दुकान आवंटित की गई है, ये भी बता दिया गया है, तो इस हिसाब से 32 लोग का चयन हो गया है और वही 32 लोग वहाँ पर कचहरी क्लब में दुकान लगाएंगे। प्रशासन क्या नियम दिए हैं, किस तरीके से उनको लगाना है, क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो उनके लिए पूरा एक नक्शा बना दिया गया, लेआउट बना दिया गया है कि किस तरह से उनको कितनी दूरी दुकान लगानी है। इसके अलावा जो बेसिक सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे वो इन केस ऑफ कोई फायर फाइटिंग का इंसिडेंट हो या फायर को फाइट करना हो या जैसा भी चीज़ हो, तो उसके लिए जो चीज़ें रखनी हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो और चीज़ें इन सबकी उनको रखना पड़ेगा। इसके अलावा बालू लुबीन को सेपरेटली रखना होगा और इसके अतिरिक्त जहाँ भी परमिशन ले रहे हैं वहाँ के स्वामी का, भू स्वामी की परमिशन चाहिए होती है जहाँ भी दुकान लगाना है अपनी, और अलग अलग विभागों से पुलिस से और फायर से परमिशन ली जाती है, तो ये सब उनको प्रक्रिया जब पूरी कर लेंगे तो उनको लाइसेंस जारी किया जाएगा। और जो निर्धारित कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके लिए भी सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहेंगे, फेस मास्क लगाते रहेंगे और उनके दुकान पर जो ग्राहक हैं उनकी भीड़ ना लगे, ये भी सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है।